हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। एनएन स्पोर्ट्स में आज बात करते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की। 17 दिसंबर से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा और इस टेस्ट मैच के साथ ही विराट कोहली एक बड़े रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकते हैं। क्या हो सकता है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, आइए आपको बताते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट 17 दिसंबर को एडिलेड में खेला जाएगा, जो पिंक बॉल टेस्ट होगा। विराट कोहली इस टेस्ट मैच के बाद स्वदेश लौट आएंगे, जबकि घर लौटने से पहले विराट कोहली के पास मौका है कि वो अपना एक बड़ा रिकॉर्ड बना सके। विराट कोहली अगर डे नाइट टेस्ट की दोनों पारियों में एक भी शतक लगा देते हैं तो उनके नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। एडिलेड टेस्ट में विराट कोहली के पास रिकॉर्ड तोड़ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व और सबसे सफल कप्तान रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका है। जैसा कि साफ है कि पहले टेस्ट के बाद बाकी 3 टेस्ट मैच में विराट कोहली नहीं होंगे, इस लिहाज से कोहली भी इस बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अच्छी पारी के साथ अंत करना पसंद करेंगे। दरअसल रिकी पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करते हुए 41 शतक बनाए थे, जबकि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अभी तक बतौर कप्तान 41 सेंचुरी अपने नाम कर चुके हैं और एक शतक इस आंकड़े को बढ़ाकर 42 कर देगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने 77 टेस्ट में कमान संभाली है और 19 शतक लगाए हैं, जबकि वनडे में पोंटिंग ने 220 मैच में कप्तानी की और 22 शतक ठोके। यानी पोंटिंग ने कुल 297 मैचों में ऑस्ट्रेलिया की बागडोर को संभाला और 41 शतक अपने नाम किए। दूसरी ओर विराट कोहली ने अभी तक 55 टेस्ट में कप्तानी की है और बतौर कप्तान उन्होंने 20 शतक लगाए हैं। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली ने बतौर कप्तान 92 मैच खेले और 21 शतक लगाए हैं। टेस्ट और वनडे को जोड़ा जाए तो विराट के खाते में 147 मुकाबलों में 41 शतक है और रिकी पोंटिंग के रिकॉर्ड की बराबर रहे। टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो कोहली अभी तक 86 मैच खेल चुके हैं, जिसमें 27 शतक की मदद से 7,240 रन बना चुके हैं, जिसमें उनका औसत 53.62 का रहा है। रिकी पोंटिंग ने अपने टेस्ट करियर में 168 मैच खेले हैं और 51.85 की औसत से 13,378 रन बनाए हैं, जिसमें 41 शतक शामिल हैं। वहीं अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आंकड़ों को देखें तो विराट कोहली ने 19 मैच खेले हैं और 7 शतक के साथ 1604 रन मारे हैं। रिकी पोंटिंग ने इस ट्रॉफी में 29 मैच खेले हैं और 8 शतकों के साथ 2555 रन बनाए हैं। अगर एडिलेड में विराट कोहली के बल्ले से एक शतक लगता है तो विराट कोहली रिकी पोंटिंग से आगे निकल जाएंगे, जबकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनकी बराबरी कर लेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।